हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में एक तो ये एक्स माइनस फोर है और दूसरी बात जो हाईएस्ट पावर है वो बाद में लिखा है, तो ये थोड़ा सा आपको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। सबसे पहले जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म है, फिर उससे कम और यहाँ पे कांस्टेंट जो टर्म है वो मिसिंग है। पावर थ्री होता है, फिर पावर टू होता है, फिर पावर वन होता है और फिर कांस्टेंट टर्म रहता है। तो अगर इसमें से कोई भी मिसिंग है तो उसके जगह पे हम जीरो लिखेंगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट मिसिंग है इसलिए जीरो लिख लिया, यहाँ पे एक्स माइनस फोर लिख लिया। अब यहाँ का पहला टर्म है फोर एक्स क्यूब और डिवाइजर का पहला टर्म है एक्स। तो फोर एक्स क्यूब को अगर हम एक्स से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा फोर एक्स स्क्वेयर। तो एक्स से डिवाइड करने पे मिला है फोर एक्स स्क्वेयर। अब फोर एक्स स्क्वायर मिल गया है तो इसे हम कोशेंट में पहला टर्म करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया फोर एक्स स्क्वायर और अब हम फोर एक्स स्क्वायर को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फोर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस फोर के साथ। तो अब फोर एक्स स्क्वायर जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा फोर एक्स क्यूब और जब हम उसे फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ का फोर एक्स स्क्वायर और यहाँ का फोर, तो फोर फोर जा सिक्सटीन और एक्स स्क्वायर एज इट इज मिल जाएगा आपको। तो ये जो फोर एक्स क्यूब माइनस सिक्सटीन एक्स स्क्वायर है ये हमने यहाँ पे कॉपी किया, ये जो मिला था वो। अब ये प्लस है इसलिए माइनस लिखा और ये माइनस है इसलिए यहाँ पे प्लस लिख लिया। तो ये हो जाएगा फोर एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स क्यूब, तो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन एक्स स्क्वायर। तो टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन एक्स स्क्वायर हो जाएगा एटीन एक्स स्क्वायर और यहाँ से थ्री एक्स नीचे आएगा, तब हमारा टर्म है एटीन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस जीरो। ऑब्वियसली यहाँ पे जीरो भी नीचे आएगा। तो ये जो पहला टर्म है एटीन एक्स स्क्वायर उसे इसी तरह एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा एटीन एक्स। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एटीन एक्स और नेक्स्ट स्टेप में जो 18x मिला था उसे x माइनस फोर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x माइनस फोर से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 18x को तो पहला 18x x से मल्टीप्लाई होगा और हमें आंसर मिलेगा 18x स्क्वायर। उसके बाद 18x जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा, 18 फोर आप अलग से करके देखें तो आपको 72 मिलेगा और साथ में x भी है क्योंकि 18x था। तो 18x स्क्वायर माइनस 72x ये यहाँ पे लिख लिया, ये माइनस है इसलिए प्लस साइन, ये प्लस था इसलिए माइनस साइन। तो 18x स्क्वायर और माइनस 18x स्क्वायर कट और प्लस 3x प्लस 72x, तो ये हो जाएगा 75x और ये नीचे आ जाएगा जीरो। वापस अभी आपको 75x को x से डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी यस 75x को आपको x से डिवाइड करना पड़ेगा जैसे यहाँ पे किया था। तो यहाँ पे बचेगा 75, तो वो हम क्वेश्चन में लिख लेंगे प्लस 75 और फिर 75 को इसी तरह x माइनस फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 75 और ये जो x है वो बनेगा 75x और ये जो 4 है वो 75 इंटू 4 आपको करके देखना पड़ेगा, मिलेगा 300 और बीच में जो माइनस साइन है वो एज इट इज। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डायरेक्टली जो मिलने वाला है जो है 75x माइनस 300। तो ये जो 75x माइनस 300 है मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, तो अब ये माइनस का हो गया प्लस और ये प्लस का हो गया माइनस, 75x और 75x कट और यहाँ पे बचा 300। तो कब तक करते जाना है, जब तक एक लास्ट टर्म नहीं बचता तब तक आपको ये चीज करते जाना है। अगर वो जीरो बच रहा है एकदम लास्ट में तो रिमाइंडर हो गया जीरो और अगर कुछ और बच रहा है तो वो चीज रिमाइंडर हो गया और यहाँ का जो है वो क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन है ये सब में 4x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 75 और रिमाइंडर है 300। तो विद दिस क्वेश्चन नंबर 3 इज डन, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में
क्वेश्चन है 2m³ प्लस एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 9 डिवाइड बाय 2m माइनस 1। तो हर बार की तरह जो लेफ्ट साइड पे है वो अंदर और जो राइट साइड पे है वो बाहर। अब यहाँ का पहला टर्म और यहाँ का पहला टर्म डिवाइड करेंगे तो 2m³ डिवाइड बाय 2m करेंगे तो आपको एम स्क्वायर मिलने वाला है, और फिर आप एम स्क्वायर को 2m माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एम स्क्वायर को 2m माइनस 1 से जो हमारा डिवाइजर है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो एम स्क्वायर जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर मिलेगा 2m³, और जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो खुद ही मिलेगा, मतलब एम स्क्वायर। बीच का साइन माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस लिख लिया। तो 2m³ माइनस एम स्क्वायर यहाँ पे कॉपी किया, 2m³ प्लस था इसलिए माइनस साइन, एम स्क्वायर माइनस था इसलिए प्लस साइन। तो 2m³ माइनस 2m³ कट हो गया और ये मिलेगा एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, तो ये बन गया 2m² यहाँ पे ध्यान रखिए इसे कट मत कर देना क्योंकि अब इसका साइन प्लस है, तो एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर 2m², और ये एम और ये 9 नीचे कॉपी कर लिया। अब इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म डिवाइड करेंगे तो 2m² डिवाइड बाय 2m करेंगे तो 2 2 कट, और ऊपर का 1m और नीचे का 1m कट, बचेगा सिर्फ m। तो m जो है वो अब 2m माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो m इंटू 2m करेंगे तो हमें मिलेगा 2m², और m इंटू 1 करेंगे तो हमें मिलेगा m और बीच का माइनस साइन। तो ये जो 2m² माइनस m है वो यहाँ पे कॉपी किया, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये और ये कैंसिल, m और प्लस m बन गया 2m, और यहाँ पे आएगा 9। और ये पार्ट आप खुद करेंगे क्योंकि यहाँ का पहला टर्म डिवाइड करने पे 1 मिलेगा, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे जैसा पिछली बार एम स्क्वायर लिखा था फिर m लिखा था, अब यहाँ पे 1 लिख लेंगे और फिर 1 को 2m माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करके साइन वगैरह चेंज करके फाइनली 10 बच रहा है। तो आई होप द सम इज क्लियर। यहाँ पे रिमाइंडर मिल गया 10 और क्वेश्चन मिल गया m² प्लस m प्लस 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में भी थोड़ा घुमा फिरा के दिया है सब चीज, तो ये हाईएस्ट पावर, फिर उससे कम, फिर ये -3x², फिर ये +3x और ये -12, और यहाँ पे भी x² पहला और 2 बाद में, और आपको वैसे ही करना है ये वाला सम भी, x² प्लस 2 जो फर्स्ट टर्म है और ये जो फर्स्ट टर्म है, तो थोड़ा सा अलग सम है इसलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वाला भी यहाँ का पहला टर्म और यहाँ का पहला टर्म डिवाइड करेंगे तो x² मिलेगा। अब x² जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा x^4, और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x². तो यहाँ पे ध्यान से देखिए x^4 प्लस 2x² मिला है, तो आप इसे बाजू बाजू में नहीं लिख सकते क्योंकि बीच में एक डिग्री मिसिंग है। अभी तक के सम्स में ऐसा नहीं हुआ था इसीलिए हमने बाजू बाजू में लिखे थे उन्हें। अब यहाँ पे आंसर मिला है जब आपने x² को जो पहला टर्म यहाँ का पहला टर्म और यहाँ का पहला टर्म डिवाइड करने पे x² मिलता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो भी मिला है क्वेश्चन उसे डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर देना है, तब आपको सॉल्व करने पे मिलेगा x^4 प्लस 2x². तो यहाँ पे तो लिख लेंगे x^4 प्लस 2x², लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो बीच का एक डिग्री मिसिंग है 3 वाला, तो जब आप इसे यहाँ पे लिखेंगे यही चीज को तो बीच का जो x³ मिसिंग है तो उसके जगह पे लिखेंगे 0x³, और बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज यहां से। फिर तीनों को माइनस साइन दे देंगे, फिर x^4 और x^4 कट, x³ - 0x³, तो वो x³ भी बचता है, और -3x² -2x², तो दोनों माइनस है तो ऐड करके लिखेंगे साइन माइनस का, तो ये मिला यहाँ से x³, और यहां से मिला -5x², और ये 3x और ये 12 नीचे। फिर x³ डिवाइड बाय x² करेंगे तो आपको x बचेगा, x को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा x इंटू x² प्लस 2, जब करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा x³ x इंटू x² करके, और
और बीच का साइन प्लस और एक्स